नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स विद पीटी समीक्षा। टुडे इज 10th of April। आइए आज का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे दोस्त भारत भ्रमण के लिए हमें लेकर चल पड़े हैं। वी स्टार्ट विथ आशीष अग्रवाल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आइए छत्तीसगढ़ की यात्रा शुरू करें। बड़ी गर्मी अभी वहाँ पर। आशीष जी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक एक टेस्टिमोनियल लिखा है। आप लिखते हैं कि आई हैव रिटन वन एन ईयर अगो एंड नाउ दिस इज फॉलो अप ऑन दैट। उसके अलावा उन्होंने कुछ कंसर्न्स जो बहुत ही संजीदगी से लिखे हैं। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू रीड थ्रू हिज टेस्टिमोनियल केयरफुली एंड ट्राई टू सी हाउ इज ट्राइंग टू कंपेयर इंडिया एंड चाइना। और इनके जो बेसिक कंसर्न्स हैं बहुत बढ़िया लिखा है। मैं चाहूँगा कि सभी व्यूअर्स इनके ऊपर अपने व्यूज नीचे कमेंट थ्रेड में ज़रूर दें। आशीष, हम आपके कंसर्न समझते हैं। दीज आर वेरी ब्रॉड नेशनल लेवल कंसर्न्स एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू पॉन्डर। आई होप मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स विल रीड इट केयरफुली एंड गिव देयर व्यूज एंड सजेशंस इन द कॉमेंट थ्रेड। थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर राइटिंग इन। गॉड ब्लेस यू, कीप थिंकिंग। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से अब हम सोनीपत हरियाणा आ गए हैं हैप्पी जी के पास। सबसे पहले तो हैप्पी जी, बेटा एक बात समझ लो, ये चश्मा एक तो हमको दे दो और तुम जेल कौन सा लगाते हो सर में वो हमें बताओ, हमें भी वो स्पाइक्स करने। हमारा बचपन से सपना था कि हमारे ऐसे स्पाइकी बाल हो, वो बाल हो नहीं पाए, लेकिन अब तुम जेल भेजोगे उसके बाद हम स्पाइकी बाल कर लेंगे। हैप्पी जी ने बहुत ही दिल से लिखा, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, अब थोड़ी गंभीर बात कर लें। सबसे पहले आपकी सीरीज शुरू करने के लिए शुक्रिया। और हमें बहुत कुछ ज़रूरी न्यूज़ तो मिली जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि हमें सोचने का तरीका मिल रहा है और भारत दूसरे देशों के मुकाबले कहाँ जा रहा है ये पता चलता है। मुझे बहुत खुशी है हैप्पी, आप सोनीपत हरियाणा से हैं और इतनी गंभीरता से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। This reinforces my faith in the youth of India. This reinforces my entire approach कि हाँ हम सही जा रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और वो चश्मा और वो जेल बड़े जल्दी भिजवाओ हमको तुम। थर्ड, अंकित अग्रवाल फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल। आसनसोल हाल ही में खबरों में भी था साथियों, किसी की हत्या हुई थी और उसके पिता ने भीड़ से आग्रह किया था कि मेरे बेटे की हत्या का बदला दूसरों की हत्या करके न लिया जाए। एनीवे, अंकित जी लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग वेब सीरीज वे हेल्पिंग टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द हैपनिंग्स अराउंड। ग्रेट टू हियर दैट अंकित, माई जर्नी स्टार्टेड इन 2014 एक्सेट्रा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस व्हेन वी नीड यू द मोस्ट। दैट्स ऑलवेज अ प्राइड एंड प्रिविलेज। बहुत बहुत खुशी हुई अंकित, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो साथियों आज का काम शुरू करें। बहुत बढ़िया 15 खबरें दुनिया भर से छांट के आपके लिए ले आए हैं। उससे पहले क्विक रिमाइंडर दे दूं, पीटी गुरुकुल gurukul.pteducation.com, यहाँ ये एक से बढ़कर एक कोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। इन कोर्सेस में भाग लीजिए, एनरोल कीजिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्रेलिम्स क्रैकर हमारा ये कोर्स बस शुरू होने वाला है और इस प्रेलिम्स क्रैकर की अद्भुत सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेलिम्स क्रैकर में स्पेसिफिकली जून 2017 से लेकर मई 2018 तक के सारे करंट अफेयर्स प्रेलिम्स यूपीएससी 2018 के लिए कवर होंगे। आइए एनरोल कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सबसे पहली खबर है लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से। एलओसी पर एक फेंस लगाई गई थी, एक बाड़ लगाई गई है ताकि इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं यानी सीमा पार से घुसने वाले बदमाश उन्हें रोका जा सके। अब एक लंबा चौड़ा रिसर्च यहाँ पता करके ये बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने छापा है, बहुत ही बढ़िया रिसर्च है, हमें बहुत सीखने को आज इससे मिलने वाला है। एलओसी फेंस बिसीज्ड एज कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन सर्जेस। इसका मतलब ये एलओसी पे जो बाड़ लगाई गई, बाड़ का मतलब होता है फेंस, बाढ़ नहीं पानी वाली, ये बाढ़ है, वो खुद उसके ऊपर एक तरह से बिसीज ने घेरा डल गया है क्योंकि कश्मीर में सीमा पार से घुसने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इसमें बेसिक समरी ये है कि अब ये पता चल रहा है पुलिस को और CAPF को और आर्मी को कि द फेंस इज नॉट वेरी यूजफुल इन रियली स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग। तो इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ दूं आपके लिए। द पुलिस अरेस्टेड वन जैबुल्ला साकिब, अ मेंबर ऑफ दैट इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप ऑफ लश्कर हु सर्वाइव्ड एन अर्लियर फायर फाइट इन मार्च विद द आर्मी इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और इसको पकड़ लिया गया, जैबुल्ला साकिब को। उसने जो बताया इंट्रोगेटर्स को वो बहुत चौंकाने वाला था। वो कहता है कि इट हैड टेकन जस्ट 30 मिनट्स फॉर इस ग्रुप ऑफ 6 ट्रेंड फिदायीन एंड 6 पोर्टर्स जो सामान उठा के आ रहे थे टू कट थ्रू द कॉइल्स ऑफ रेजर शार्प कॉन्सेंटिना वायर पाइल 2 मीटर्स अबव द स्नो। तो भारत की तरफ से वो पूरी बाढ़ लगाई है, रेजर शार्प कॉन्सेंटिना वायर 2-2 मीटर ऊंची बर्फ के ऊपर, इन लोगों ने 30 मिनट में उसको काट डाला और घुस गए, रास्ता बन गया। उसके बाद दे इवन इवेडेड थर्मल इमेजिंग से भी बच के निकल भागे। सर्वेलेंस रडार डिजाइन टू डिटेक्ट ह्यूमन मूवमेंट एंड रिंग्स ऑफ पेट्रोल्स।
ये पेट्रोल्स, ये चारों से, पहले उस बाढ़ से, उसके बाद थर्मल इमेजिंग से, उसके बाद सर्वेलेंस रडार से, और उसके बाद पेट्रोल, सबसे बच के ये घुस गए कश्मीर में। ये उसने अपनी टेस्टिमनी में बताया। तो इसका मतलब सिर्फ बाढ़ लगाने से काम नहीं होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। सो दिस टेस्टिमनी हैज रेज क्वेश्चंस अबाउट एम्बिशियस गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड एन इंप्रूव वर्जन ऑफ द फेंस एट अ ह्यूज कॉस्ट। और प्रति किलोमीटर ये 6 करोड़ की कॉस्ट आने वाली है, और 2900 किलोमीटर बॉर्डर विद पंजाब और ये सब में ये लगाने वाले थे। तो फिर उसका यूज ही क्या है अगर ये आतंकवादी इतनी आसानी से आ जाते हैं तो। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि एवरीवन इन द गवर्नमेंट सीम्स टू थिंक कि ये एक टेक्नोलॉजिकल फिक्स है जिससे सारी समस्या हो जाएंगी, लेकिन ट्रुथ इज देर इज नो टेक्नोलॉजिकल फिक्स टू इट विच इज 100% अ फिक्स। देयर एबिलिटी टू एंटर कश्मीर इन एवर लार्जर नंबर, आतंकवादियों की बात, इन्फिल्ट्रेटर्स की बात हो रही है, हैज अंडरमाइंड वन ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसीज की बिलीव दैट द LOC फेंस वुड प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन। इट हैज नॉट। फार फ्रॉम डिटरिंग जिहादिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान, अभी बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, उनको डरा देने के बजाय, एंड देयर बैकर्स इन द ISI जो कि ये सब करवाता है, ये तो जग जाहिर है, किसी को क्या बताना है। द डेटा सजेस्ट दैट क्रॉस LOC स्ट्राइक्स ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2016 हैव सिंपली लेड द अदर साइड यानी पाकिस्तान टू स्टेप अप द टेम्पो ऑफ वायलेंस। इन अमेरिका ऑल्सो, अभी अमेरिका का उदाहरण भी देखिए, अ सिमिलर फेंस डिजाइन टू डेटर नार्कोटिक, वहां क्या ड्रग ट्रैफिकिंग मेक्सिको से बहुत भयंकर होती है। वैसे क्या आपको पता है मेक्सिको के साथ अमेरिका ने हिस्टोरिकली जो वॉर लड़ा था उसमें ऑलमोस्ट आधे मेक्सिको की जमीन अमेरिका ने छीन ली थी। तो ऐतिहासिक बड़े दर्दनाक तथ्य है, वो 19th सेंचुरी का वॉर था। किस साल हुआ था US मेक्सिको वॉर मुझे बताना। इन अमेरिका सिमिलर फेंसेस डिजाइन टू डिटेक्ट नार्कोटिक फ्लो अक्रॉस द बॉर्डर विद मेक्सिको अचीव वेरी लिटिल। द US ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी हैज सेड दैट डिस्पाइट द ग्रोथ इन बॉर्डर प्रोटेक्शन मेक्सिकन कार्टेल्स आर एबल टू इंट्रोड्यूस मल्टी टन क्वांटिटीज ऑफ इलिसिट ड्रग्स। तो फिर फायदा ही क्या फेंसेस का। I don't believe that fences are inefficient. I'm going to put a fence and then I'm going to put a wall on top of it. शाबाश ट्रम्प साहब, आप सब कुछ कर सकते हो मालिक, और ट्विटर से ही कर डालोगे आप तो। एनीवे किसी दिन ये मारेगा याद नहीं, मेरे को बता रहा हूँ मैं, आप लोकल थाने में शिकायत करना। देखो ये इतना आपको गुरु दक्षिणा चुकानी पड़ेगी, एज इफ थानेदार सुन लेगा। ओके, दूसरी खबर पर आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। द प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड ऑल द सेंट्रल PSUs, केंद्रीय सरकारी कंपनियां जो होती हैं, CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड द PSUs टू हेल्प इंडिया एक्सपैंड द ग्लोबल फुटप्रिंट। फाइनली द रियलाइजेशन हैज कम इन द पब्लिक। यू सी फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स आई हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन दिस फॉर द पास्ट मेनी मेनी ईयर्स बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ ग्लोबल मीडिया। चाइना हैज लिवरेज्ड इट्स सेंट्रल PSUs टू द मैक्सिमम इफेक्ट। अब फर्क है, चीन और भारत में एक बहुत बड़ा फर्क है कि वहां जो कुछ है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, हर कंपनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बैठी हुई है, हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं। दैट इज वाई आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट द राइज ऑफ अलीबाबा, राइज ऑफ टेंसेंट, राइज ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल जायंट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। लोग हंसते हैं मैं ये बोलता हूं, जबकि अलीबाबा जो है वो चीन में नहीं होता तो हो ही नहीं पाता। लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी है, फ्री मार्केट, कंप्लीट नॉनसेंस। अमेजन को वहां से लिटरली दे किक्ड अमेजन आउट ऑफ चाइना बिकॉज उन्हें खुद के जायंट्स बनाने थे। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर हैज पब्लिकली एक्नॉलेज्ड एंड ही हैज सेड कि जितने भारत के CPSUs हैं उन्हें पूरे भारत के फुटप्रिंट्स विश्व भर में फैलाने में अब मदद करनी चाहिए। दिस रियलाइजेशन भली देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इसका एक दो पार्ट पढ़ के बताता हूं। He has urged the PSU firms to prepare a detailed roadmap for action in the next 100 days. तो ये तो बहुत ambitious बात हो रही है। Prime Minister Modi has asked the state-owned PSUs to help the government expand the global geostrategic reach. ये बिल्कुल direct और पहली बार ऐसा call आया है। ये सारा काम चीन करता है। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि हम उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो अफ्रीका के सारे रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो, वो इंडियन ओशन रीजन में अलग अलग जगह छोटे छोटे टापू वाले जो देश हैं उनके साथ रिश्तों की बात हो, वो लैटिन अमेरिका की बात हो, वो साउथ अमेरिका की बात हो, एवरीवेयर वी आर नाउ फेसिंग दिस क्रंच बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एनी कंट्री। चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, क्योंकि चीन से हम रिश्ते सुधारने के लिए वैसे ही दलाई लामा को भी धक्का देकर धर्मशाला में घुसड़े हुए हैं, तो अभी चीन का नाम तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वी वॉन्ट दैट आर रिलेशनशिप शुड इंप्रूव, विच इज परफेक्टली फाइन। विदाउट टेकिंग नेम ऑफ एनी कंट्री ही सेड, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट सम अदर कंट्रीज हैव टैक्टफुली यूज्ड द डोमेस्टिक PSUs टू एक्सपैंड दैट जियो स्ट्रेटेजिक रीच 100%, क्योंकि वहां उस पार्टी के सिवा कोई है ही नहीं। भारत में डेमोक्रेसी होने के कारण यह संभव भी नहीं हो पाया। फिर वो कहते हैं, स्ट्रेचिंग ऑन बेटर परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ CPSEs यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी यानी जो शेयर होल्डिंग है, क्योंकि भारत सरकारी शेयर होल्डर है, इवन लिस्टेड कंपनीज में भी मेजोरिटी शेयर होल्डर तो भारत सरकारी है, हैज बीन 11% और विच इज लोअर वेन कंपेयर टू द सेम फॉर द सेम सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। समझ गए,
Prime Minister also posed a few challenges to CPSC while helping the country reduce its import bill by 2022, integration of research and innovation platform and better utilization of corporate resource, a corporate social responsibility fund. बहुत बढ़िया खबर है, बहुत मजा आया मुझे खबर पढ़ के कि ये realization भारत के strategic establishment में अब आ चुका है. इसके अलावा भारत के corporate sector की earning पे भी एक report है, इसको आप जरूर web page पे जाके पढ़ रहे हैं ना वही सारी खबर. दूसरी खबर पर, तीसरी खबर पर हम आ जाते हैं. ये इससे जुड़ी एक और अखबार की खबर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, ये भी आपके लिए ले आए. दिस इज ऑल फॉर सीरियस स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू द वेब पेज एंड रीडिंग सीरियसली. थर्ड, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए, जब से एनजैक बना, कानून बनाकर नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया दैट दिस इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये तो गैर संवैधानिक हो गया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, दैट द पावर ऑफ ज्यूडिशियल रिव्यू. तब से रिश्तों में जो खटास आई है वो बहुत अजीब अजीब ढंग से नए नए रंग लेती चली गई है. और यहां हम किसी पे भी दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर की पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. और ब्राजील में जो हुआ है, आज की हमारी 13वीं खबर ब्राजील को लेके होगी, लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा, उनको किस प्रकार अभी जेल में डाल रहे हैं करप्शन के चार्जेस पे, क्योंकि वो आने वाले चुनावों में ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली लेफ्ट विंग से जीत चुके थे. ब्राजील में डेमोक्रेसी की जो हालत हो गई ओलिगार्की ने जो कर दिया, वो देख के लगता है कि भारत की तो अभी बहुत अच्छी चल रही है डेमोक्रेसी. आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, बहुत ही शैटरिंग न्यूज है वो भी. यहां देर इज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन सम ऑफ द डिसेंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भैया, हमने कर्नाटक के लिए जिस जज को कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था कि प्रमोट करके अब हाईकोर्ट में ले लें, उसके खिलाफ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन आई है, और आपने उसको तुरंत फुरत में अप्रूव कर दिया, हमें कंप्लीट इंक्वायरी तो कर लेने दीजिए, तो क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, द यूजुअल स्टैंडर्ड स्टफ. जस्टिस चेलमेश्वर जी, हु इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट टुडे, आपको पता ही है चेलमेश्वर जी थे, रंजन गोगोई जी थे, कुरियन जोसेफ थे, एंड मदन लोकुर, द फोर रिवोल्टिंग जजेस, जिन्होंने जनवरी फरवरी में सीधे सीधे चीफ जस्टिस पे उंगली उठा के कहा था कि उच्चतम न्यायालय में बहुत कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं है. ऐसा आज तक हुआ नहीं था इतिहास में कि इस तरह से रिवोल्ट हो. उस लाइट में ये लड़ाई काफी महत्वपूर्ण है. यहां मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा. जस्टिस चेलमेश्वर इन अ रीसेंट समिट, एक कोई टॉक शो था उसमें वो गए थे, उन्होंने कहा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी पोजिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर माई रिटायरमेंट. एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ हैज ऑल्सो मेड द सिमिलर स्टेटमेंट. आप जानते हैं साथियों, जितने भी ये बड़े बड़े जजेस हैं जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं, ऐसे आरोप मीडिया में अक्सर लगते आए, सच या गलत हमें नहीं पता, लेकिन इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि शायद पूरी तरह गलत नहीं होंगे, दैट देर इज अ ह्यूज इंसेंटिव फॉर अ लॉट ऑफ जजेस टू टेक अप बिग पोजिशंस. इनमें ट्राइब्यूनल्स के चीफ्स की पोजिशन होती है, NHRC चीफ की पोजिशन होती है, NGT में पोजिशंस होती हैं, ऐसी सैकड़ों पोजिशंस हैं, या गवर्नर की पोजिशन होती है जो सरकार उनको दे सकती है. तो नेचुरली दे वाइल दे आर इन द सीट द जज विल बिकम प्लायंट. दिस इज द बिटवीन द लाइन्स अंडरस्टैंडिंग. तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे लीवर्स होते हैं और सब बड़ा कॉम्प्लेक्स है. कावेरी पर आते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं चल रही हैं. कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इन अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी सरकार को डांटते हुए कहा है कि आप वो सॉल्यूशन ला क्यों नहीं रहे जो हमने आपको ऑर्डर दिया है, कर्नाटक चुनाव के चक्कर में ला नहीं रहे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें चुनाव उससे क्या लेना देना, यू आर बाउंड बाय अवर डिक्री, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग अ डिक्री. तो तमिलनाडु का प्रोटेस्ट काम आ गया है. कावेरी, सुप्रीम कोर्ट स्लैम द सेंटर्स इन एक्शन. केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की. किस चीज पर कार्रवाई नहीं की? द सुप्रीम कोर्ट हैज रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है डांटना, द सेंटर फॉर नॉट फ्रेमिंग अ वाटर शेयरिंग स्कीम फॉर द कावेरी एंड ऑर्डर्ड इट टू प्रूव इट्स बोनाफाइडीज बाय सबमिटिंग अ ड्राफ्ट स्कीम बाय 3rd of May. अब तो चुनावों का समय. द 3-judge bench लेड बाय CJI दीपक मिश्रा सेड, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, हमें बहुत निराशा हो रही है. केंद्र सरकार को बोला गया कि आप ये तमिलनाडु कर्नाटक के संघर्ष को खत्म करना क्यों नहीं चाहते हो? उसका सिंपल सा उत्तर है, मालिक कर्नाटक के चुनाव है. ये चुनावी राजनीति में बहुत घोटाले हो जाते हैं, क्योंकि अब ये ऑर्डर देंगे तो उसमें तमिलनाडु की तरफ फेयर ऑर्डर जाएगा, तो और बीजेपी की पोजीशन कर्नाटक चुनाव में और खराब होगी. ये डेमोक्रेसी के पुश एंड पुल हैं. वन कैन हैव टाइम सिंपथाइज की कितना कठिन हो सकता है, बट लॉ इज लॉ, लॉ को इससे कोई मतलब नहीं है. हुआ क्या था, फरवरी 16 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया था कि 29 मार्च तक आप पूरी स्कीम बना दीजिए, और 29 मार्च के पहले द सेंटर आज सुप्रीम कोर्ट, मालिक 3 महीने और दे दो,
प्लीज गिव अस 3 months पर, ये मालिक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, 3 महीने और दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या मजाक चल रहा है, आप ही क्या कर रहे हैं, 3 महीने और देते तो वो कर्नाटक चुनाव के बाद होता। तो एज वी कैन सी वेरी क्लियरली तमिलनाडु ने कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दी। कंटेम्प्ट पिटीशन का मतलब होता है न्यायालय की आज्ञा का अवहेलना हुआ, जो अवहेलना हो गई केंद्र सरकार के द्वारा, तो कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दिया कि भैया ये तो मानहानि है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुल अप कर लिया। दिस इज हाउ इट इज गोइंग एंड इट सीम्स कि अब तो सरकार को डेफिनेटली एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब भी एक्शन नहीं लिया, वेल देन नथिंग कैन बी सेड। पांचवी खबर पर आते हैं साथियों, ट्रेड वॉर की जो बातें हुई थी, व्हाट ट्रेड वॉर, आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेटन आउट थिंग्स एंड यू कीप क्रिटिसाइजिंग मी इन योर सीए विद पीडी समीक्षा सीरीज, आई डोंट लाइक यू, नो प्रॉब्लम सर। ट्रेड वॉर की हमने इतनी बातें की थी, आपको याद होगा साथियों, ट्रेड वॉर में मैंने आपको सबसे पहले सेशन में जब बात की थी क्या बताया था, इन राउंड वन, ये जो मुक्केबाजी होती है इसके कई राउंड होते हैं, इन राउंड वन यू हैव टैरिफ्स, इट्स अ टैरिफ वॉर, आई विल पुट मोर टैरिफ्स ऑन यू, यू विल पुट मोर टैरिफ्स ऑन मी, सो दीज आर ऑल टैरिफ्स ऑफ रिवेंज, ये प्रतिशोधात्मक शुल्क हो जाते हैं। इन राउंड टू वन कंट्री विल टेक अ स्टेप टू डिवैल्यू इट्स करेंसी, साथियों वो स्टेज आ गई है, ये है राउंड टू, और अगर ये चीन ने कर दिया अमेरिका विल गेट एक्सट्रीमली एंग्री, और उसके बाद राउंड थ्री में सैंक्शंस आते हैं और राउंड फोर में वॉर आता है। हा हा हा, क्या खतरनाक स्थिति। तो इसलिए ज्यादा दिन बचे नहीं है पृथ्वी को, जितना खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना कभी किसी का तोड़ना, खूब खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, वॉर होने वाला है बहुत जल्दी, और इस बार न्यूक्लियर वॉर होगा, सब खत्म। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ने का समय और बढ़ा दो, कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, ये हंसी मजाक बीच बीच में चलते रहना चाहिए। चाइना वेज टू डिवैल्यू युआन अमिड ट्रेड डिस्प्यूट, बहुत बड़ी खबर है और इतनी जल्दी आएगी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आ गई है। अब आप समझिए इससे जुड़ी दो खबरें मैं आपके लिए लाया हूं, एक तो चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने की ताकि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटेटिव हो जाएं, और दूसरा चाइना में बहुत सारे अमेरिकन इंपोर्ट जिसके ऊपर चाइना ने एक्स्ट्रा टैरिफ लिया, उनकी कीमतें अचानक से बढ़ गई, तो वहां के लोगों ने फटाफट खरीदी करना शुरू कर दी है कि कीमतें बढ़ने से पहले हम खरीद लें, तो उस चक्कर में कीमतें बढ़ गई। अरे बाप रे, चाइना वेज टू डिवैल्यू युआन अमिड ट्रेड डिस्प्यूट, उनकी करेंसी रेनमिनबी या युआन, चाइना इज इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द ग्रेजुअल युआन डिप्रिसिएशन, युआन को धीरे धीरे ये डिप्रिशिएट अगर करने दें। अब डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, डिवैल्यूएशन भारत सरकार या कोई भी सरकार तुरंत कर सकती है रातों रात, जैसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने रातों रात किया था, सो दैट वी मेक आवर एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव, और डिप्रिसिएशन है बाय अ नेचुरल मार्केट डायनामिक, ये समझ में आया आपको, द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ अ ग्रेजुअल युआन डिप्रिसिएशन। लेकिन जब चीन बोलता है कि युआन का डिप्रिसिएशन, तो पर्दे के पीछे हम उसको डिवैल्यूएशन मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार के हाथ में सब कुछ है, अब तो देर इज द चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग एंड फॉर एवर, तो फिर फ्री मार्केट का तो सवाल ही नहीं उठता। एज अ कंट्रीज लीडर वे देर ऑप्शन इन अ ट्रेड स्पैट विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दैट हैज रॉयल फाइनेंशियल मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, तो चीन अब सीरियसली सोच रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। One part looks at the effect of using the currency as a tool in trade negotiations with America. तो ऐसी बातें करके अमेरिका को अब और डर लगेगा कि अगर इन्होंने युआन को डिप्रिशिएट कर दिया, डिवैल्यू कर दिया, तो इनके एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव होंगे। सिंपल बात रखिएगा, जितनी कमजोर आपकी करेंसी होगी किसी दूसरे के समक्ष, उतने आपके एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट करना आसान होगा, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो मांग बढ़ जाती है। जितनी करेंसी मजबूत होगी उतने इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और उतने एक्सपोर्ट्स आपके कच्चे पड़ जाएंगे। सो एक्सपोर्टर्स ऑलवेज वॉन्ट अ वेरी वेरी वीक करेंसी, इंपोर्टर्स ऑलवेज वॉन्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, एंड डाई हार्ड नेशनलिस्ट वॉन्ट एट पार करेंसी, $1 is equal to ₹1। ऐसा वादा किसी ने 2014 में किया था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो 2017 तक $1 बराबर ₹1 हो जाएगा। अरे बाप रे, आज वो वादा करने वाले भी नहीं दिख रहे कहीं, तो जो एक्चुअल रिकॉर्डेड वादे हैं उनकी बात कर रहा हूं, कहीं सुनी की बात नहीं कर रहा हूं। वो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज आर इकोनॉमी कैन नॉट कंपीट दैट वे, हमारी आईटी कंपनी रातों रात मर जाएंगी अगर $1 = ₹1 हो गया, सबकी नौकरी गई, फिर समझ लो। बाय द वे, आईटी कंपनीज में कितने लोग नौकरियां करते हैं भारत में, बताएंगे मुझे आंकड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो ये एक चीज़ हो गई, और ट्रंप साहब लगातार नेगोशिएशंस नॉट इम्पॉसिबल, चीन साथ ही साथ दरवाजे खुले भी रखे हैं, और ट्रंप साहब का क्रिटिसिज्म करते करते ये भी कह रहा है कि वी आर ऑलवेज विलिंग टू टॉक, बिकॉज अल्टीमेटली चाइना की आज की सारी ताकत, सारी समृद्धि, सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल लार्जली अमेरिका के साथ व्यापार करने पे बना, अगर अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए तो चीन की 50% ताकत खत्म। वन मेजर रीजन वाई शी जिनपिंग फाउंड इट ईजी टू गेट रीनॉमिनेटेड फॉर एवर माइट हैव बीन दिस।
और इसके बाद एनिमल मील एंड सोयाबीन प्राइसेस हिट रूफ इन चाइना। चीन में इन सभी पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ दी ट्रेड वॉर विच इज कमिंग, एंड इन सबके ऊपर दीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका, सोयाबीन एक्सपोर्ट्स आर अ लार्ज पार्ट ऑफ चाइनाज इम्पोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका। सो चाइना हैज प्लान टू गिव रिटेलिएटरी टैरिफ, प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क आयात पे। तो वहाँ के ट्रेडर्स सब खरीदना शुरू कर रहे हैं कि इससे पहले कि दाम बढ़ें खरीद लो। ट्रेडर्स को सिर्फ खुद का फायदा दिखता है भाई, उनका राष्ट्र राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, भले ही चीनी हो आप। साथियों, इससे पहले कि फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग और उन पर हो रहे हमलों पर चलें, आपको क्विक रिमाइंडर दे दूं, पीटी गुरुकुल इज अ फैंटेस्टिक कंपाइलेशन ऑफ कोर्सेस, gurukul.pteducation.com। जरूर आएं, अलग अलग कोर्सेज को देखें, समझें, एनरोल करें और पूरा लाभ लीजिए। Power of Knowledge is the latest offering for all working executives and for anyone else interested in serious knowledge. This is a combination of three courses: vocabulary course, Power of 10, our editorial program, analysis program, and the live Sandeep Manudhane sessions. ये तीनों का combo आपको एक बहुत ही reasonable price में एक ही जगह मिल जाएगा। If you are a working executive, तब तो बिल्कुल भी miss मत कीजिएगा। Screen पर दिखाई दे रही link पे जाएं, enroll करें और अभी से खुद को razor sharp बनाने की दिशा में कदम उठाएं। आइए आज की छठी खबर पर चलते हैं। Facebook's problems are my mistake, Zuckerberg. Of course, sir, you are the only owner, so it has to be your mistake. You cannot run away. मार्क ज़करबर्ग पर अमेरिका के लॉ मेकर्स ने शिकंजा कस दिया है, और ये भारत जैसा नहीं है कि यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों से किसी भी तरह का सवाल पूछने में सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। अमेरिका में वहाँ की सरकारें किसी को नहीं छोड़ती भैया, वहाँ के लॉ मेकर्स किसी को नहीं छोड़ते। दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फंडिंग सिस्टम। बिटवीन द लाइन्स बात को समझो बेटा, देश का भविष्य हो तुम लोग। तो फेसबुक के ओनर को बुलाकर ऐसा रगड़ा गया है और उसने बिल्कुल ये समझ लिया, इसके एडवाइजर बहुत ही समझदार लोग हैं, सीधे वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है कि इट्स ऑल माय मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। कुछ भी और करता तो टूटी पड़ते ये लोग। फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग इन अ प्रिपेयर्ड टेस्टिमनी फॉर द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव said all of the Facebook problems are his mistake. This is the smartest move. Ki you have disarmed the questioner and the interrogator. The world's largest social media company didn't do enough to prevent its tool, ye Mark keh raha hai, from being used for harm, especially in terms of fake news, foreign interference. Sab maan liya usne. Foreign interference in elections, hate speech. Lo, to aap mein se jitne bhi log din raat WhatsApp forward ko apni zindagi samajhte ho aur usse itihas seekh rahe ho, band kar do apna WhatsApp ka account. Tumhare man mein zeher bhara ja raha hai. Ye bilkul sab kar रहे हैं, कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं, सब लगे पड़े हैं सुबह से शाम, इसलिए उससे दूर भागो। याद रखना एक जनरल रूल बता दूं आपको, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति नफरत भरे, उस आदमी से उल्टी दिशा में दौड़ लगा दो। Those who spread hatred and venom, they always have an agenda. Those who spread love, compassion, brotherhood, fraternity, they never have an agenda. ऐसे लोगों के पास जाओ, जो लोग नफरत की बात करें उनसे उल्टी दिशा में दौड़ लो। भारत में आज उल्टा चल रहा है, जितनी नफरत की बात करेगा लोग उतना उसके पास जा रहे हैं। हम इसकी कीमत चुकाएंगे, चुका ही रहे हैं। तो ये मार्क ज़करबर्ग ने तो स्वीकार कर लिया कि भैया हमने ये सब गलती हो गई हमसे। ऑन दी अदर हैंड, ज़करबर्ग अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। लो, ज़करबर्ग बना रहा है इलेक्शन कमीशन। अरे भैया भारत में मत बना देना आके तू इलेक्शन कमीशन। वैसे भारत के इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक से टाई अप कर रखा है, ये पता है ना आपको, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज बी रूइंग द डे दे हैड द टाई अप, बट दे हैव अनाउंस कि हम तो टाई अप कंटिन्यू कर रहे हैं। जागो इलेक्शन कमीशन, जागो, मुझे ही नहीं पकड़ने कहीं आके इलेक्शन कमीशन वाले। अरे ऐसा मत करना, इन बच्चों का क्या होगा। Formation of an independent election commission for research while referring to the upcoming polls in countries across the globe including India, US and Pakistan. जय हो ज़करबर्ग साहब। अब इस पे क्या है, मार्क पर हमला करने का मौका मिल गया। ये बिलियनियर्स में एकता बिल्कुल नहीं होती, गरीबों में भारी एकता होती है, बिलियनियर्स में कोई एकता नहीं होती। जैक मा अलीबाबा, अरे भाई कम्युनिस्ट पार्टी के दम पे तो तुम खड़े हुए हो जैक साहब, भारत की सारी कंपनियां खरीद ली जैक मा ने, जितनी इंटरनेट कंपनीज हैं पेटीएम से लेके सारी, सब में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग चाइनीज और जैपनीज की हो गई है। दे आर नो लॉन्गर इंडियन कंपनी। सब चुप बैठे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। It is time to fix it. It is time for the CEO to really take it seriously. I think the problem will be solved. अरे वाह जैक साहब, सही बोले। फिर स्टीव वोजनियाक, एप्पल के co-founder, the profits made by Facebook are all based on users' information and the users have got nothing. सही बोले, सही बोले। तो इस प्रकार ये खबरें फेसबुक की हैं, देख लीजिएगा। और अभी असली ग्रिलिंग तो इनकी होना बाकी है, अभी भारत में इनको बुला रहे हैं कि बेटा तुम आ जाओ भारत, यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे इनको। अच्छा जोक था ना। आइए अब आपको एक पॉलिटिकल राउंडअप दे दूं। न्यूज़ का बहुत कुछ चल रहा है देश में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब कुछ एक साथ चलता है, इतना बड़ा देश है चलेगा। सबसे पहले 10 अप्रैल को एंटी रिजर्वेशन भारत बंद का कॉल दिया गया। किसने दिया किसी को नहीं पता।
नए नए समूह दावा कर रहे हैं, हमने दिया, उसने दिया, मैंने दिया, तूने दिया, किसी को नहीं पता किसने दिया, रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए, SC ST के ये नाम पे बहुत अत्याचार दूसरों पर हो रहा है, ये मांग के साथ भारत बंद दिया गया है और बहुत सी सरकारों ने एक्स्ट्रा पुलिस भेज भेज कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है। इसके ऊपर ये पूरी की पूरी खबर आई है। एंड नो मेजर ग्रुप हैज पब्लिकली अलाइड विद इट, तो एक बात तो तय है, यहां से लेकर 2019 के चुनावों तक रिजर्वेशन विल बिकम अ की प्लैंक इन द रन अप टू द इलेक्शंस, मेकिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिकली ऑल द पार्टीज बिकॉज दे विल हैव टू टेक अ वेरी क्लियर लाइन। तो काफी मडल्ड वाटर्स आगे आने वाले हैं। उधर राहुल गांधी जी ने उपवास रखा कुछ घंटों का और उपवास के पहले सोशल मीडिया में तस्वीर फैल गई, बहुत से कांग्रेसी बैठकर बड़ा बड़ा छोले भटूरे खा रहे हैं। वैसे वो छोले भटूरे की जो तस्वीर आई आपने भी देखी होगी, वो भटूरे लाजवाब थे यार, उनका साइज देखो, ऐसा भटूरा मैंने तुरंत ऑर्डर करके छोला भटूरा बुलवाया और खाया। मैंने कहा नहीं यार ये तो खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाता यार भैया, वजन बढ़ जाता है उससे। वो कांग्रेसी खा रहे थे, मैंने कहा यार वजन बढ़ जाएगा भाई और कुछ नहीं, तो कम से कम इसमें तो पता नहीं वो तस्वीर सही थी या नहीं, लेकिन ये थोड़ा हल्का फुल्का मजाक चलता रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनावों में जो हिंसा होती है ना, बहुत गलत बात है, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जिन्होंने डायरेक्टली इंटरफियर करने से मना कर दिया पंचायत चुनाव में, इसलिए इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इट इज इन द हैंड ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको एक बहुत बड़ी बात पता भारत के लोकतंत्र के बारे में, द स्टेट इलेक्शन कमीशन यूजुअली इज अ पावरलेस एंटिटी, जहां हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंटिटी विद टन्स ऑफ अथॉरिटी, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर यूजुअली पावरलेस पीपल, यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। ये बहुत बड़ी हार रही है पंचायती राज व्यवस्था की, जो 1990s में दो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाई गई थी, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। उसी तरह क्या आपको पता है फाइनेंस कमीशन जो सेंटर में बनता है वो बड़ा मजबूत होता है, जो स्टेट्स में बनता है वो प्रैक्टिकली टूथलेस होता है। तो बस ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था हो नहीं पाया अभी तक। आठवीं खबर पर आते हैं, फेसबुक पे तो निशाना लगी क्या, गूगल भी आ गया निशाने में, यूट्यूब इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गूगल। यूट्यूब पर बहुत भारी आरोप ये लगे हैं कि वो बच्चों के डेटा के साथ भारी खिलवाड़ कर रहा है। मार्क जकरबर्ग इज फेसिंग फायर ओवर यूजर डेटा। I can assure you that this story has more disruptive potential. अगर ये story बड़ी हो गई आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये मार्क जकरबर्ग के स्कैंडल को भी पीछा छोड़ देगी। अभी देखते हैं। YouTube improperly collecting and profiting from children's data. ये बहुत खतरनाक बात है, ये YouTube को डुबा सकती है। क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू YouTube's टर्म ऑफ सर्विस, when one views a video, he or she gives Google permission to collect data tied to the device, location, browsing habit, phone number, everything, including color of eye. हाँ, कैमरा चालू होगा तो वो भी कर ही लेगा ना। इन द कंप्लेन दैट इज येट टू बी फाइल्ड, द एडवोकेसी ग्रुप चिल्ड्रन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, बाल अधिकार जितने समूह होते हैं, दे से दैट यूट्यूब कलेक्ट डेटा ऑन चिल्ड्रन थ्रू इट्स मेन साइट। यहां पे कोई फेसबुक जैसा थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं है, तो मेन यूट्यूब पे आरोप है। वेरी डिसरप्टिव न्यूज, द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अंडर 13 चिल्ड्रन इज देन शेयर्ड विद एडवर्टाइजर, दिस सिंगल थिंग can substantially kill a large part of this company. We will see. A coalition of more than 20 consumer advocacy group is about to file a complaint with American federal officials claiming YouTube has been violating children's privacy law. Yellow. YouTube's term of service holds that may visitors to the main site are affirming that they are at least 13 and they agree to Google's privacy policy which outlines how the company collects information etc. लेकिन बड़ी बड़ी बात, मतलब मोटे तौर पे बात ये है, ये आग फैल रही है, ये आग कब बुझेगी, अरे बाप रे, सोशल मीडिया के रहते तो नहीं बुझेगी। ट्रेड वॉर की आज हमने बात की, वापस उसी की तरफ आते हैं लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ। ग्लोबल ट्रेड वॉर फियर्स बैटरिंग ऑल द मार्केट्स, लगभग विश्व के सारे ही स्टॉक बाजारों पर वैश्विक युद्ध व्यापार में होगा, इसको लेकर सारे इंडाइसेस नीचे आ गए हैं। और वो बहुत सारे गलीबल इन्वेस्टर्स भारत में जिन्होंने सही है यार सुन सुन के म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल दिए थे, अब उनको पता चल रहा है कि हर बार सही है यार नहीं हो पाता है, बिकॉज इफ यू आर पुटिंग मनी इनटू अ म्यूचुअल फंड स्कीम विच इज इंडेक्स लिंक्ड, द इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडाइसेस हैव आल्सो बीन बीटन हार्ड बाय दैट। तो
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, मैं साथ में वो डिस्क्लेमर भी चला ना, म्यूचुअल वो एक सेकंड में पूरा डिस्क्लेमर खत्म हो जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दी ऑफर्ड डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसकी वो स्पीड बढ़ाते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट ऑफर डॉक्यूमेंट, और फिर धीरे धीरे वो एक डेढ़ दो सेकंड में खत्म हो जाता है। खैर एनीवे, पैसा भी तो बचाना है यार, ये कंपनीज कितना चार्ज करती हैं एडवर्टाइजिंग का। तो ये खबर बताती है दैट म्यूचुअल फंड्स आर नॉट द रोड टू हेवन, यू कैन बिकम अ सेवर इवन विद 500 रुपीज, विच इज अ गुड थिंग, बट डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी अ वेरी स्ट्रेट जर्नी, द जर्नी कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, सो द ओनली वे आउट इज यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग रन। ये बात लोग समझते नहीं है, तो इसलिए बताना जरूरी था, पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स यानी वैश्विक स्टॉक बाजार आर विटनेसिंग हाइटेंड वोलेटिलिटी। आप में से जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जरा शेयर कीजिए, हम सब सीखना चाहेंगे। व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंसेस, एंड इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, प्लीज एनलाइटन ऑल ऑफ अस, सब सीखेंगे साथ में। अरे पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, ये सरकारी नारा था, ऐसे ही कुछ था ना कि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, लिखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ याद आ गया नारा, वेरी गुड। तो भैया आप हमको पढ़ाओ। Global equity markets are witnessing heightened volatility due to the risk of a global trade war. Benchmark indices, benchmark indices का मतलब होता है जो टॉप लेवल का इंडेक्स होता है, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ग्लोबली आपके पास जापान का निकी इंडेक्स हो गया, आपके पास हांगकांग का हैंग सेंग हो गया, ब्रिटेन में आपको लंदन का फुटसी मिलेगा, अमेरिका में आपको डाउ जोन्स मिलेगा, सब तरफ के अपने अपने होते हैं। Of almost all the countries have come off since Feb end when President Trump threatened it. Even markets such as India, despite very low exposure to American economy and the stock market, has seen high turbulence. Ye hota hai. Experts say that markets are eyeing two key events this week wagera. Wo technical hai. Indian market is currently down around 8% from the 2018 highs, etc. Ye khabar bahut bariki se dekh lijiyega. Isme samajhne layak bahut kuch hai. Aaj ki hamari 10th khabar par aate hain saathiyo. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पे हमने दो अलग अलग सेशंस अलग से दिए हैं, देख लीजिएगा। मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल youtube.com/sandeep.mandodane को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां बहुत कुछ है, देखते चलिएगा। आरबीआई ने 90 दिनों में सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को बोला, बिल्कुल खुद को एकदम पाक साफ कर लो, गंगा नहा लो, क्रिप्टो करेंसी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लो। अमेरिका के एंथनी पंपलियानो, द जनरल पार्टनर एट मॉर्गन क्री कैपिटल ब्लॉकचेन इन सिलिकॉन वैली, इज एनरेज्ड। ही सेज आरबीआई इज मेकिंग अ ह्यूज ह्यूज मिस्टेक, आई एम विलिंग टू कम टू इंडिया एंड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मीट द आरबीआई, अगर कोई मेरी मीटिंग सेट करा दे, और मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज को बंद मत करो। ये भाई साहब ने लगता है क्रिप्टो करेंसी पर बहुत पैसा लगा रखा है। तो क्या कहते हैं ये कहते हैं, What made you tweet about coming to India and explaining the benefits of cryptocurrency? उनसे सवाल पूछा गया, इन्होंने ट्विटर पे खूब धमाधम धमाधम cryptocurrencies, इनके उत्तर सुन लीजिएगा, ये एक इंटरव्यू है, इट इज वर्थ रीडिंग, जरूर पढ़िएगा। cryptocurrencies are a new powerful innovation that can create significant inflection point for humanity. देखिए inflection point basically एक कर्व में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे tangent changes direction. तो कर्व ऐसा जा रहा था, अब वो कर्व ऐसा जा रहा है, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इसको काफी पॉजिटिव सेंस में, परिवर्तन के दौर के सेंस में यूज करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनोवेशन एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट सीइंग इंडिया लीड द इंडस्ट्री, आई प्रीवियसली विजिटेड मेनी सिटीज इन इंडिया एंड सीन द पैशन द सिटीजंस हैव फॉर द टेक्नोलॉजी, यानी क्रिप्टो करेंसी। तो लगता भारत में बहुत पैसा लगा रखा भाई ने। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इंपैक्ट ऑफ द आरबीआई मूव इन द शॉर्ट टर्म? देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, द मार्केट विल लाइकली रिफ्लेक्ट, बट आई डाउट इट विल मैटर इन द लॉन्ग टर्म। द गवर्नमेंट दैट एम्ब्रेस ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज विल बी द बेस्ट पोजिशन फॉर द फ्यूचर, and anyone who does not do it will be left out in the rain. बड़ा loaded statement है, मैं ना 100% इनकी बात मानूंगा, ना मैं 100% आरबीआई की बात मान रहा हूं, सच बीच में कहीं है इस मामले में। कम से कम इसको जरूर पढ़ लेना बेटा, बहुत अच्छा है ये न्यूज। साथियों 10 खबरें हमारी पूरी हो गई, क्विक रिमाइंडर दे दूं आपको, मेक श्योर यू चेक आउट ब्यूटीफुल कोर्सेस ऑन पीटी गुरुकुल, gurukul.pteducation.com, एंड मेक श्योर यू चेक आउट अ प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स, प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स स्टार्टिंग दिस संडे, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मेजर करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 1 ईयर, होपफुली अ लॉट ऑफ दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स क्रैकर, इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। आइए 11वीं खबर पर चलते हैं, दुख भरी खबर है भैया, बीच बीच में दुख के झोंके भी आते रहने चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा कभी भी डीमोटिवेट होना नहीं है। कल आपको एक गीत हमने सुनाई दिया था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, हो राही ओ राही। सर गाने क्यों गाते हो आप, समय खराब होता है हमारा, अरे बाप रे सॉरी भाई। चलिए 11वीं खबर पर आते हैं, सीवीसी विटनेसेस अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन कंप्लेन, चीफ विजिलेंस कमीशन, सुना है ना भैया, मुख्य या सतर्कता आयोग है भारत में। अब इसमें पता चला है कि जो कंप्लेन सीवीसी के पास आ रही हैं
उनमें बहुत भारी गिरावट आ गई है, बहुत समझने लायक खबर है। सीवीसी विटनेसेस अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन कंप्लेंट्स। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सॉ अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड इन 2017, कीपिंग इन लाइन विद द ड्रॉप इन एक्शन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन क्रैकिंग डाउन ऑन करप्शन। तो इस प्रकार से ये बताते हैं कि कैसे साल दर साल कम आया है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जनता का भरोसा ही कम हो गया है, तो जनता बोलती फायदा क्या है कंप्लेंट करके जब कार्रवाई होनी नहीं, क्योंकि जनता को तो आंख से दिखता है। आपको याद है साथियों, कर्नाटक के लोकायुक्त पे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था। फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं जस्टिस साहब को, लेकिन जस्टिस कर्नाटक लोकायुक्त हैं और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, एनी आउट ऑफ डेंजर, ऐसा हमने लास्ट पढ़ा था। आपको पता है जिस आदमी ने चाकू मारा था उसने क्यों मारा था? उसका ये कहना था, उसका जो पक्ष मैंने पढ़ा, कि वो एक वेंडर था और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए वहां के सरकारी अधिकारी बार बार रिश्वत मांगते थे और उसने लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त ने जांच की और पाया ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसने जाके लोकायुक्त पे चाकू चला दिया कि सरकारी अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर वैसा था और अगर वो आदमी सच था, किसी पे भी हिंसा करना और खासतौर पर ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्ति को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लोगों में फैले भ्रष्टाचार के प्रति असंतोष को लेके। अगर वो सच है तो वो एक इंडिकेटर था और वो इससे रीइंफोर्स होता। अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन आंकड़े तो कुछ बता रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी है, वो बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन क्या करें। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्या साथियों? एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ये है, वीडिंग आउट डुप्लीकेट कंप्लेंट्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग। कई बार क्या होता है, एक ही आदमी दो दो तीन तीन चार चार कंप्लेंट्स डाल देता है। यदि वो सारी कम करके एक ही नाम पे सेंट्रलाइज कर दी जाए तो उतने परसेंटेज से कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। ये समझ में आया आपको? तो ये खबर आप पढ़ लीजिएगा भ्रष्टाचार के संबंध में, बड़ी महत्वपूर्ण। 12वीं खबर पर आते हैं, फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से बात नहीं हुई राजकोषीय घाटा। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अधिया जी जो हैं, प्रैक्टिकली वित्त मंत्रालय वही चला रहे हैं आज अरुण जेटली जी के एब्सेंस में, सबसे विश्वास पात्र हैं मोदी जी के। गुजरात कैडर से आते हैं हसमुख अधिया जी और डीमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज में मोदी जी और हसमुख अधिया जी हैड प्लेड द की रोल। इनका कहना है कि भारत का 2017-18 का फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक कम रखने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन इंडिया से एक्सेस जो पैसा हमें लास्ट पॉइंट पे मिला उससे बहुत फायदा हुआ। बहुत अच्छी खबर है, समझिएगा। फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ फरवरी 2018 वाज 120% ऑफ फिस्कल ईयर 2017-18 का रिवाइज टारगेट ऑफ 5.95 ट्रिलियन। एंड मार्च इट इज सेट टू बी स्लाइटली बिलो टारगेट। तो ये स्लाइटली बिलो टारगेट कैसा गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये सारी एमएसपी वगैरह के लिए खरीदी करके पीडीएस में भेजता है, केम टू द एड ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट स्लाइटली बिलो द 5,95,000 करोड़ का जो रिवाइज टारगेट था बजट के हिसाब से। वो कैसे? आरबीआई ने अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए एक्सचेकर को दे दिए और एफसीआई ने वो 50,000 करोड़ रुपए वापिस कर दिए जो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए थे। तो मैं खुश हूं कि रो, मतलब एफसीआई ने 50,000 करोड़ रुपए जो उसको पूंजीगत व्यय के वो कर ही नहीं पाया और उसने सारे लौटा दिए। तो दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय एफसीआई गॉन डाउन। या तो ये नीतिगत परिवर्तन है और यह एफसीआई की भयानक इनएफिशिएंसी। कोई एफसीआई वाला ये देख रहा हो तो हमें बता देना भैया क्या था। 13वीं खबर पर आते हैं साथियों, ब्राजील की कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत ही भयंकर दुख भरी और नाटकीय कहानी है साथियों। अ क्राइसिस दैट हैज बीन लॉन्ग इन द मेकिंग। ब्राजील के जो वर्कर्स पार्टी है उसके प्रेसिडेंट थे लुइस इनेशियो लूला डा सिल्वा। इन्हें हाल ही में पुलिस ने पकड़ लिया। इन्हें पुलिस ने एक करप्शन केस में पकड़ा। इन पे एक जज ने आरोप सिद्ध कर दिया एक जज के कोर्ट में कि इन्होंने एक फ्लैट लिया था गलत और ये आरोप है, जाओ बेटा जेल में, 12 साल की जेल। इन्हें पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम ऑन द स्ट्रीट्स कि हम पुलिस को वहां तक जाने नहीं दें, बट ही केम आउट एंड ही फाइनली ऑफर्ड टू बी अरेस्टेड। This is an editorial you must read to understand how democracies are manipulated. बहुत खतरनाक है और आपको बहुत डर लगेगा ये पढ़ के। Brazil's democracy is fragile. It was the trade union movement with which Mr. Lula da Silva remains affiliated, another such organized platform that had overthrown a US-backed military dictatorship that ruled Brazil from 1964 to 1985. अमेरिका ने वहां की एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को पीछे से सपोर्ट किया था 64 से 85 तक और एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसको हटाया था, समझ के। उसके अगले 15 साल 85 से 99 से लेके 2000 तक द सिविलियन गवर्नमेंट्स विच केम इन पावर दे डिड नॉट अपरूट द डिक्टेटरशिप इंस्टीट्यूशंस नॉर द ओलिगार्की। ओलिगार्की यानी 100, 150, 200, 250 ताकतवर अमीर लोगों का समूह जिनके हाथ में पूरा देश आ जाता है।
जब ये सिविलियन रूल आया 85 के बाद 15 साल, उन लोगों की ताकत कम नहीं कर पाया. दैट पावर ब्लॉक रिमेन्स फर्मली इन कंट्रोल इवन नाउ. और लूला डा सिल्वा की सरकार 2003 से 11 रही, उसके बाद दिल्मा रूसेफ की आई 11 से 16, दोनों के दोनों करप्शन में निपट गए. ऑथर ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ उस ओलिगार्की ने पर्दे के पीछे से किया है. जजेस की भी सेटिंग कर दी गई है और लूला डा सिल्वा जो आने वाले चुनावों में 100% जीत जाते, उनके खिलाफ एक राइट विंगर को खड़ा किया है जो पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट करता है. अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक है. और इसमें जिस करप्शन में पकड़े गए हैं वो एक कार वॉश उसका नाम है, यानी कि लावा जातो, ये पोर्चुगीज भाषा चलती है वहां पे, तो लावा जातो इन्हें कार वॉश इन्वेस्टिगेशन. और इसकी इंस्टीट्यूशन भी लूला ने स्वयं बना के दी थी कि करप्शन समाप्त हो. इफ द कोर्ट्स नाउ रिफ्यूज टू अलाउ मिस्टर लूला डा सिल्वा टू रन इन द अक्टूबर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी एज इज एक्सपेक्ट, उसको जी आप खड़े नहीं होने देंगे चुनाव में, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस इन ब्राजील. पर्दे के पीछे से सुपर डुपर बिलियनियर्स क्या खेल खेलते हैं आप देख लीजिए सामने क्या दिखता है. जब तक ऐसे एडिटोरियल्स पढ़ो नहीं पता नहीं चलता. आज सेशन समाप्त करने का समय आ गया है. भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल लास्ट ईयर फ्लोट किया था कि सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को बेचना और एंटीबायोटिक्स ओवर यूज को हम कंट्रोल करेंगे सख्ती से. मैंने आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया. उसके खिलाफ भारत भर के दवा विक्रेताओं ने बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हेल्थ मिनिस्ट्री पे दबाव डलवा कर उस प्रपोजल को रुकवा दिया है. पढ़ लीजिएगा आज की आखिरी खबर. वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री टू हेल्प टैकल ई वेस्ट हैजार्ड. अरे वाह क्या बात है. एक भारतीय एंटरप्रेन्योर महिला हैं जिन्होंने दावा किया है कि मैंने दुनिया की पहली माइक्रो फैक्ट्री बनाई है जो ई वेस्ट को यूजफुल करती है. एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, उनका नाम है वीना सहजवाला, हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री दैट कैन ट्रांसफॉर्म द कंपोनेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स इनटू वैल्यूएबल्स मटेरियल फॉर रीयूज. फॉर इंस्टेंस फ्रॉम कंप्यूटर सर्किट बोर्ड दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैल्यूएबल मेटल अलॉयज सच एज कॉपर एंड टिन. कॉपर एंड टिन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी भर भर के यूज हुआ है. इंडस वैली सिविलाइजेशन 1000 शहरों की शहरी सभ्यता आज से 5000 साल पहले जब दुनिया में कहीं वैसी सभ्यता नहीं थी. अरे ऐसे ऐसे इतिहास के रहस्य छुपे पड़े भैया कि सही ढंग से खोद दो तो पता नहीं क्या क्या निकल आएगा. फिलहाल तो आप ये सारी खबरों को अच्छे से खोदिए पढ़िए समझिए. आज के लिए इतना ही. मेक श्योर यू चेक आउट द ब्यूटिफुल कोर्सेज वी हैव अवेलेबल फॉर यू ऑन पीटी गुरुकुल gurukul.pteducation.com. और पावर ऑफ नॉलेज हमारा शानदार प्रोग्राम है फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए. इफ यू आर वर्किंग एग्जीक्यूटिव एनरोल कीजिए और अपने आप को शार्प रखिए. दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी. बहुत जल्द अगले सत्र के साथ फिर मिलूंगा. कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए दुनिया तक ये अच्छी चीजें पहुंचाइए. मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल youtube.com/sandeep anudhane को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. वहां एक डिफरेंट सीरीज ऑफ सेशंस आपको मिलेंगे. पूरा पूरा फायदा लीजिए. नमस्ते. जय हिंद.